अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनमें मर्दाना कमज़ोरी या फिर टाइमिंग का मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये ऐसा नुस्खा है जो मर्दाना ताकत और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे के कुछ ही दिन के इस्तेमाल से बहुत ज़बरदस्त ताकत उठ कर आती है, टाइमिंग का मसला हमेशा के लिए हल हो जाता है। ये नुस्खा अज़ाए रईसा को ताकत देता है, असाबी कमज़ोरी को, जिंसी कमज़ोरी को दूर करके मेदे मसाने जिगर से गर्मी को निकालता है, मादे तौलीद की अफसाइश के लिए मादे तौलीद के तमाम तर खराबियों को दूर करता है और इसके अलावा टाइमिंग में बेपनाह इजाफा करता है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनको जरियान की शिकायत है या जिनमें अहतलाम कसरत से आता है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नुस्खे में 6 चीज़ों के अलावा हम 5 कुश्ताजात का इस्तेमाल करेंगे। इस नुस्खे की सारी तैयारी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करनी है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी, 5 कुश्ताजात हमें चाहिए होंगे। कुश्ता नकरा हमें चाहिए होगा 1 तोला, कुश्ता मरजान हमें चाहिए होगा 1 तोला, कुश्ता अकीक हमें चाहिए होगा 1 तोला, कुश्ता कली हमें चाहिए 1 तोला, और इसके अलावा हमें कुश्ता सदफ चाहिए होगा 1 तोला। ये 5 कुश्ते हमने हम वज़न लेने हैं, ठीक है, 1-1 तोला लेने हैं। और इसके बाद हमें चाहिए होगी अरके गुलाब, 30 ml हमें अरके गुलाब चाहिए। हमने करना ये है, ठीक है, कि इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, तमाम कुश्ताजात को आपस में एक जगह खरल में डालना है, और खरल में डाल के हमने 50 ml जो है अरके गुलाब वो इसमें जज़ब करना है। जज़ब किस तरह से करना है कि हमने उसको खरल करते रहना है, 1-1 कतरा अरके गुलाब का डालते रहना है, 1-1 कतरा अरके गुलाब का डाल के हम उसे खरल करते रहेंगे। इस तरह से पूरा 50 ml अरके गुलाब हमने उसे पिला के इन तमाम कुश्ताजात को यकजान करना है। उसके बाद हमें ये जो तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, सालिद मिसरी हमें चाहिए होगी इसमें 1 तोला, सफ़ेद मूसली का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला, सालिद पंजे का इस्तेमाल होगा इसमें 1 तोला, ये एक स्याह मूसली है, ठीक है, इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला, सतावर का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला, और साथ ही इसके ताल मखाने का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला, ठीक है। हमने करना ही है कि इन तमाम चीज़ों की हम खूब अच्छी तरह से बारीक सफूफ बना लेंगे, ठीक है। बारीक सफूफ बनाने के बाद 60 ग्राम हमें चाहिए होगी मिसरी, ठीक है, मिसरी 60 ग्राम चाहिए होगी, और 10 ग्राम हमें चाहिए होगी इलायची कलां, यानी कि इलायची के दाने, ठीक है, छोटे छोटे दाने इलायची के हमें चाहिए होंगे 10 ग्राम, वो भी हम इसमें ही सफूफ बना के इसमें शामिल कर लेंगे। और कुश्ताजात हमने सारे कुश्ताजात नहीं डालने, ठीक है, ये बात याद रखें। उसके बाद हमने इसमें ये तमाम कुश्ताजात को शामिल नहीं करना, ये तमाम जो कुश्ता आपके पास होगा, ये 50 ग्राम कुश्ता आपके पास होगा, लेकिन हमने 50 ग्राम कुश्ता इसमें इस्तेमाल नहीं करना। हमने इस कुश्ते में से सिर्फ 1 तोला कुश्ता लेकर इस सफूफ में डालना है, ठीक है, और ये एक बंदे का नुस्खा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको रोज़ाना आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और आधी चम्मच ही चाय वाली रात के खाने के आधे घंटे के बाद 30 साल से कम अफराद इस्तेमाल करेंगे। 30 साल के ऊपर के जितने भी अफराद हैं वो 1 चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद और 1 चम्मच चाय वाली रात के खाने के आधे घंटे के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम बिस्तरी से और गर्म चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ रखें। तुर्स चीज़ों का इस्तेमाल भी इसमें मना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।